हुसैनाबाद अनुमंडल में घुटकोरी पहाड़ी मैदान के समीप प्रतिबंधित संगठन टीपीसी के सक्रिय नक्सली गिरेंद्र जी को लेवी की रकम पहुंचाने जा रहे दो टीपीसी समर्थकों को पलामू पुलिस ने धर दबोचा। इन नक्सली समर्थकों के पास से पुलिस ने लेवी उगाही के 2,30,000 रुपए नकद, एक मोबाइल और एक बजाज कंपनी की मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत माथा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में गठित टीम के सहयोग से पुलिस को यह महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी। पुलिस उपाधीक्षक प्रेमनाथ ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि हुसैनाबाद थाना में मामले को दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि लेवीदाता कंपनी महादेव कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक से पूछताछ की जाएगी। गिरफ्तार दोनों नक्सली समर्थक बिहार के औरंगाबाद जिले के निवासी हैं। पुलिस अधीक्षक पलामू महोदय को यह जानकारी गुप्त सूचना की से माध्यम से मिली थी कि कई उसी के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हुसैनाबाद के नेतृत्व में एक टीम गठन करके और लेवी देने के लिए जा रहे थे। 21 तारीख को गुप्त सूचना के आधार पर दो व्यक्तियों को पकड़ा गया है, जिसमें अशोक कुमार सिंह और अरविंद कुमार सिंह दोनों औरंगाबाद के रहने वाले हैं और ये लोग महादेव कंस्ट्रक्शन कंपनी है औरंगाबाद में, जिसके संजय सिंह और सुनील सिंह मालिक हैं। उन लोगों से टीपीसी के उग्रवादी गिरेंद्र जी द्वारा लेवी की मांग की गई थी। उसी को लेवी का पैसा ये लोग जाकर डिलीवरी देने के लिए जा रहे थे कि पुलिस द्वारा पकड़ा गया है इनको। इनके पास से 2,30,000 रुपया नकद, एक मोबाइल और एक मोटरसाइकिल जब्त किया गया। क्या इस पे आगे कार्रवाई होगी? कंस्ट्रक्शन कंपनी पे होगी क्या? कंस्ट्रक्शन कंपनी से लेवी की मांग की गई है, उसके संबंध में उनके मालिक से भी पूछताछ होगा और उनके विरुद्ध भी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है और अनुसंधान अभी किया जा रहा है। दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। आगे उनके मालिक से भी इस संबंध में गहन पूछताछ के बाद उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो सकती है।